जय गंगा मैया की। दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो में। मैं आ चुका हूँ नीलकंठ पैदल यात्रा लेकर। तो आज मैं आपको इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को आपको एंड तक देखना है और आपको नीलकंठ पैदल यात्रा में आपको काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। तो अभी हम स्टे करते हैं गीता आश्रम पर। तो दोस्तों जो हमारी पैदल यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम चल दिए हैं सारे लोग साथ में। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इस रास्ते का नाम वैसे कावड़ रास्ता है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर जाने के लिए ऐसे तीन रास्ते दिए जाते हैं, गाड़ी से भी आप लोग जा सकते हैं। तो अभी हम नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में आपको कुछ बताना सिम को समर्पित नीलकंठ महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर और 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वर्ग आश्रम के पर्वत की चोटी पर बसे इस प्राचीन मंदिर को ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता है। समुद्र मंथन से निकला हलाहल कालकूट नाम का विष, जिसको भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी कट में धारण किया था, विष के प्रभाव से उनका कट यानी गला नीला पड़ गया था। इसलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप हरिद्वार ऋषिकेश वैसे आप लोग आना चाहते हैं तो आप 3-4 दिन का टूर प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग वह हरिद्वार होकर ऋषिकेश पहुंचते हैं। अगर आप नीलकंठ महादेव के मंदिर नहीं जाते, मतलब दर्शन करने के लिए नहीं आते, और जो आपकी यात्रा है वो संपूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग हरिद्वार होकर नीलकंठ महादेव के लिए दर्शन करने के लिए लोग आते हैं जब उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और जो आप लोग पैदल जाएंगे तो आपको पड़ेगा 14 किलोमीटर पैदल मार्ग से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आगे चलकर इतना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो कि नीलकंठ जाने में ही मिलता है। तो अभी हम दिखाएंगे आगे। तो अभी देखो हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर पानी से देखो झरना, देखो थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, सारे लोग पानी पी रहे हैं और क्योंकि थक चुके हैं। और देखो यहाँ पर गगन पी रहा है पानी, पिया जाएगा तो पता होगा। और एकदम जंगल से मैं रुक चुके हैं, देखो मस्त यार, देखने लायक चीज है यार। कभी आप आओ ना नीलकंठ महाराज तो काफी मजे आएंगे, पैदल पैदल जाने में काफी मजे आने वाले हैं आपको, और काफी मस्त है यार। तो दोस्तों ये आ चुका है शॉर्ट रास्ता और हम शॉर्ट रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप फैमिली या बच्चे के साथ में आते हैं तो आप शॉर्ट रास्ते का बिल्कुल उपयोग ना करें, क्योंकि आपके साथ कई सारी घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरने और लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर ऐसे 3 शॉर्ट रास्ते दिए जाते हैं, तो एक लंबा शॉर्ट आता है 3 किलोमीटर का, वो एंड में आएगा, उस शॉर्ट को भी हम कवर अप करेंगे और सारे शॉर्ट रास्ते का कवर अप करने वाले हैं। तो अभी जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो 3 पहाड़ों के बीच में स्थित है, जो पहाड़ों को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम चलेंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर और काफ़ी मौज मस्ती के साथ वहां पर पहुंचेंगे और आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन कराएंगे। बम 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 बम। कितनी दूर रहेगा, कितनी दूर रहेगा, आधा किलोमीटर दूर रह गया, आधा किलोमीटर दूर रह गया। उधर दिखा दे भाई, सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील भाई हार गए, सुनील भाई सारा तुम्हारी को मार दूंगा यहां पे। लाला चढ़ाई के बारे में का कुछ कहना चाहोगे? मैं कसम मैं तुझसे भी नीटो बहुत खराब ना है, हाला बोले बाबा ने कहां जाएंगे बोलो बोनी बाबू ने कहां पर जाकर पहुंच गए ना। अच्छा तो बोले बता भाई, हार गए तो मैं बहुत थक गया। सुनील भाई तेरे जीवन में खुशियां भर आएंगी, लील मां की दुआ तेरे काम आएंगी। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आ रहा हूं मैं, नील सीधा तो दिख रहा होगा चेहरे पे, और टी शर्ट की कितनी गीली हो रखी है बहुत ज़्यादा। और ये 3-3 किलोमीटर की शॉर्टकट वाला मरवा रहे हैं, बात करो जल्दी आ जाते हैं, रोड रोड नहीं जा रहे हैं। रास्ता देवेंद्र नीलकंठ महाराज बहुत छोटी रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा, रास्ता देखो शॉर्टकट देखो, ये रही काफ़ी डेंजर रास्ता है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जैसे आपके साथ लेडीज़ है तो आप पैदल जाएँ, और अगर बच्चे हैं तो आप गाड़ी से ही ट्रैवल करें,
मेरे हिसाब से तो ठीक कह रहा हूँ ना मैं। अगर बच्चे तीन चार बच्चे आपके साथ तो गाड़ी से ही ट्रेवल करें, क्योंकि काफ़ी डेंजर रास्ता है, खतरनाक। मैं भी कहना चाहूँगा कुछ। हाँ बोलो। बट मैं अब सिक्का दोस्त हूँ। हाँ लेकिन कुछ अभी, हाँ बस बहुत थक चुके हैं हम सब लोग। हाँ बट अब कभी भी तुम आओ इधर उनकी दर्शन करने के लिए। हाँ तो गाड़ी से जाने का है आप लोगों को। हाँ बट पैदल ना करें आप यार। हाँ मीटर की शॉर्टकट आ चुकी है और इसको हम कवर करेंगे फिर से पैदल। बहुत अरे पीछे देखिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कई सारे बंदे आ रखे हैं और देखो पूरा खतरनाक शॉर्टकट है। मैं तो हार गया चलते चलते। हाँ आ जाओ आ जाओ। तो काफ़ी खतरनाक शॉर्टकट, सब हार चुके हैं और ये 3 किलोमीटर की शॉर्टकट है, ये भी पैदल ही कवर करेंगे। कौन से बाबा आ रहे हैं? भोलेनाथ। जयासंत बाबा हमारे साथ चल रहे हैं और भोलेनाथ से कह रहे हैं कि जयासंत बाबा आ रहे हैं। भैया तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रास्ते में आपको ऐसे लंगूर देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपका सामान है उसको तुपका के रखें, क्योंकि आपके हाथ से ज़बरदस्ती छीना लेते हैं ये लंगूर। और जो पानी बोतल है तो आप तो ज़बरदस्ती ले लेंगे और पानी पी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी बहुत रहती है तो यहाँ पर पी जाते हैं। तो कई सारे देखो पानी पिला रहे हैं, अभी देखो जो हमारे साथ के हैं पानी पिला रहे, देख सकते हैं जैसे हम पी रहे तैसे पीते हैं यहाँ पर लंगूर पानी। तो जैसे अपना जो भी सामान है सेफ्टी में रखें और ऐसे कई सारे लंगूर मिलेंगे उनसे आपको काटेंगे नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं तो यहाँ से एकदम काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा ऋषिकेश का। और देखो एकदम पहाड़ों एकदम मस्त लग रहे हैं। अभी हम एक होटल से में रुके हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हार चुके हैं सारे लोग जितने भी हैं। तो अभी यहाँ का सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं, नीलकंठ जाने में एकदम खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं आपको। ये नीचे की साइड आप लोग देख रहे हैं गंगा जी है, काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से खूबसूरत। तो गाइस देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं नीलकंठ मंदिर के पास में, यहाँ से अभी दिख रहा है। तो अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है मेरे को और मंदिर सामने ही है। और भाई साहब आ तो गए हैं, जाएंगे कैसे? देखो जी हमारे साथ के ले रहे हैं रिस्क, शॉट मार रहे हैं यहाँ से, बहुत खतरनाक रास्ता है यहाँ पर। गगन आराम से भाई, आराम से आराम से, अरे आराम से आया। चलो मैं भी शॉट मारूंगा, अभी डर लग रहा है भाई साहब, आराम से निकलना पड़ेगा मेरे को। देखो वहाँ तक शॉट है, ये देखो उस साइड बना है घर। आराम से आराम से आराम से, खतरनाक रास्ता है। तो दोस्तों देखो अभी आ चुकी है मार्केट और यहाँ पर सावन के महीने में शिव भक्त यानी कि कांवड़िए नीलकंठ महादेव अपनी कांवड़ में गंगा जल लेकर आते हैं। कई घंटों लंबी लाइन में लगकर महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। हर साल शिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर यहाँ मेला भी लगता है। सावन के पूरे महीने यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। तो अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो अभी आगे चलेंगे देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है। तो कई सारे भक्त दर्शन करके आ रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक झरना भी है तो वहाँ पर स्नान करेंगे हम। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं भक्तों की बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, अभी यहाँ से थोड़ी आगे है लगभग 500 मीटर। तो अभी हमें जाना होगा नीचे, वहाँ पर एक झरना है तो वहाँ पर हम करेंगे सारे स्नान, और स्नान करने के बाद सीधे हमें भी लगना पड़ेगा लाइन में और हमें वापस भी जाना है, तो टाइम भी बहुत हो चुका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्नान करने के लिए और वो झरना हम आपको दिखाएंगे और सीधे मिलेंगे फिर हम। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर लाइन से कई सारे भक्त गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंदिर जाने का मार्ग यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पर एक झरना, जो कई सारे भक्त यहाँ पर नहाकर स्नान कर सीधे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद सीधे लाइन में चलेंगे और लाइन में जाने के बाद हमें प्रसाद लेना पड़ेगा। तो प्रसाद भी हम आपको बताते हैं, यहाँ पर गंगा जल और पेड़ पत्थर और जो नीलकंठ महादेव की मूर्ति है और जो ये सब चीज़ें प्रसाद छठते हैं। तो यहाँ पर अभी हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सीधे मिलेंगे लाइन में। तो गाइस देखिए अभी हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और अभी हम चलते हैं नीलकंठ महाराज के दर्शन कराने के लिए और सब रेडी हो चुके हैं।
अभी देखो यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन काफी ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद हम दर्शन कराएंगे। मेरे हिसाब से नीलकंठ में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर लिख रहा था मोबाइल यूज ना करें, देखते हैं वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नीलकंठ महाराज जी के हमने दर्शन कर लिए हैं, अभी फिलहाल में टाइम हो चुका है 2:30 करीब, और अभी थोड़े हार भी चुके हैं और अभी हमें कुछ खाना भी है, खाने के बाद सीधे नीचे चलेंगे, फिर देखते हैं यार। अभी भी तो यार फिर चढ़ाई चढ़नी, उतरना पड़ेगा नीचे 21 किलोमीटर। गाड़ी से चलें वैसे हैं? गाड़ी से नहीं, पैदल ही जाएंगे 21 किलोमीटर। ये सारे लोग पीछे, लाला ने पूरे परिक्रमा पूरे कर लिए हैं नीलकंठ के, और अभी आए नीचे नीचे। क्या कहना चाहेंगे इस परिक्रमा के बारे में? बहुत अग्गे ना है परिक्रमा में, पैर पैर कैसे हो चुके? पैर पैर खुद के लट्टू हो गए ना है, दर्द महाराज हम पैरों में दर्द हो रहा है बहुत तेज। पवन को देखो सब हार चुके हैं। तो दोस्तों हम आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। और अभी ये ब्लॉग बताना हमारा कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलेंगे हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।